का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आज घोषित कर दिया जाएगा किसी भी समय। इससे पहले आप जाइएगा बीपीएससी टीआरई 1 में, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर लगातार जद्दोजहद करने के बाद दिया गया। क्या आंकड़ा हो सकता है, क्या जो मार्केट में आंकड़ा चल रहा है वह सही है या गलत है, कितना और बढ़ सकता है या कम हो सकता है, मेरे साथ शशि शरण सर है, इनसे जानेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। इस बार अभ्यर्थी को जद्दोजहद नहीं करना पड़ा और आज ट्वीट आता है और बोला जाता है कि बहुत कम समय में तुरंत आज घोषित कर दिया जाएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। सर देखिए, इस पे एक खुशी की बात यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने चीजों के बारे में बताया है कि हम किस हिसाब से काम करते हैं। जब जब बिहार लोक सेवा आयोग को कोई आलोचना करता है, जब जब उसकी कोई ग्रीवांसेस को बताता है, उसकी उसको सुझाव देता है, तो बिहार लोक सेवा आयोग का एक ऐसे भूमिका में बाहर निकल के आता है कि वो समय के साथ निरंतर अपने अंदर में परिवर्तन करता है। और उसी का ये नतीजा है कि छात्र अभी मांग कर ही रहे थे, छात्र नेता भी मांग कर रहे थे, तमाम लोग मांग कर रहे थे, आप भी बोले हम भी बोले, लेकिन आयोग ने 24 से 48 घंटों के अंदर में सुन लिया। और सुन के मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा ट्रांसमीटर है अतुल प्रसाद सर के पास कि वो देखते रहते हैं कि कौन सी बातें छात्रों की हैं जरूरी, और उन जरूरी चीजों पर अमल करते हुए उनके हित में आज अगर आ जाता है तो ठीक है, या जब भी आए, कल आए, परसों आए, जब आए, लेकिन यह तो तय है कि बिहार के हजारों घरों में दोबारा खुशियां लौटेंगी। जो लोग डेट ऑफ बर्थ से छूट गए होंगे, जो लोग थोड़े थोड़े से रह गए होंगे, अब ये किसी को नहीं पता। ये आप हमसे हो सकता है अगला सवाल पूछ भी लेंगे, सर कितना नंबर कम हो सकता है, तो भैया ये ना आपको पता होगा ना हमको, ना सब फिर भी अनुमान सर जब आप बोल दिए कितना। अब हम मौसम वैज्ञानिक तो है नहीं, लेकिन आपको ये बता सकते हैं कि अनुमानन तौर पे उम्मीद कर सकते हैं कि अगर 1-1.5-2 नंबर तक हो तो उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर इन पे बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा करनी पड़ेगी कि किन विषयों में सीटें कितनी है, कितनी खाली है, किस कैटेगरी में कितना खाली है, इसलिए इस पर अनुमान लगाना बहुत तय नहीं। लेकिन ये तो तय है कि सैकड़ों नहीं हजारों घरों में खुशियां फिर से लौटेंगी, और वो बच्चे जो थोड़े थोड़े से चूक गए थे वो फिर से खुशियों से आनंदित होंगे और मिठाइयां बांटी जाएंगी, ये तय है। सर जिस तरीका से चल रहा है और आप देखे होइएगा कि 14,700 प्लस हो सकता है कॉमन रिजल्ट, इस तरीका से देखा जाए तो अच्छा खासा पिछला बार। मुझे तो ऐसा लगता है कि 14,000 नहीं भाई, वो 24,000 चले बाजारों में, लेकिन कहना है कि जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं आ जाता उस पर कहना बहुत गलत होगा, अधिकृत नहीं होगा। लेकिन ये तो तय है कि अगर इतना आता है जितना चल रहा है तो मैं कहता हूं कि मेरे लिए जिस दिन रिजल्ट आया उससे ज्यादा खुशी भरा अगर दिन मुझसे पूछिएगा तो वो आज का दिन होगा। तो आप समझ सकते हैं ना कि किसी को थोड़ा दुख हुआ हो, किसी से कुछ छूट गया हो, उसको दोबारा जब मिल जाता है तब उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो यह तो तय है कि रिजल्ट आएगा और सैकड़ों घरों में नहीं हजारों घरों में खुशियां लौट के आएंगी। सर आप बता रहे हैं कि अतुल सर कुछ ना कुछ देखते हैं या समझते हैं अभ्यर्थी का क्या डिमांड होता है, उसको पूरा करते हैं, अच्छी बात है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर पूरा कर रहे हैं, जिस तरीके से 92,000 प्लस रिजल्ट दिया गया। सर एक प्रश्न ये है अटेम्प्ट को लेकर, कब तक सर इस पर विचार कर सकते? देखिए मैंने अभी तक अपने जीवन काल में कोई विवादित वीडियो नहीं बनाया है, कुछ बोला नहीं है, लेकिन मैंने इस साल की शुरुआत उसी वीडियो से की थी और मैंने मांग किया कि जब देश की सबसे बड़ी सिविल सेवा परीक्षा होती है यूपीएससी की, उसमें जब जनरल कैटेगरी को 6 अटेम्प्ट दिया जाता है, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी जो इसकी परीक्षा कराता है वो स्वयं सीसी यानी सिविल सर्विसेज की जब एग्जाम लेता है उसमें कोई लिमिट नहीं है, तो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आप कहिए तो हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, कहिए तो हम हाथ पसार के खड़े हो जाते हैं, अगर हमारी मांग सुन ले साहब तो हम उनके लिए जिंदगी भर कृतज्ञ रहेंगे। और पता नहीं अंदर से एक बात आश्वस्त हूं मैं, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की नौजवानों की पुकार है और ये भी सुनी जाएगी और कुछ दिनों में ही हो सकता है कि खुशियां निकल के आए, तो ये खुशी की बात है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप जो है नो लिमिट कर दीजिए। देखिए कोई भी नियम कानून बनता है तो उसके पीछे बहुत सारे तर्क होते हैं, बहुत सारे लॉजिक होते हैं, उतने बड़े लेवल के उतने सीनियर अधिकारी जब इनको बनाते हैं तो उनके पीछे बहुत सारी चीजों को लॉजिकली देखा जाता है, तो किन परिस्थितियों में अटेम्प्ट को लिमिट किया गया है, उनमें कितना छूट दिया जा सकता है, क्या 3 को बढ़ा के 4 किया जाएगा, 5 किया जाएगा या नो किया जाएगा। छात्र हित में अगर मुझसे पूछे, मेरे हित में मुझसे पूछे, तो मैं तो यही कहूंगा कि साहब जितना मौका हो दे दीजिए, जिसकी कलम में जितनी ताकत होगी वो अपनी ताकत को वहां दिखाएगा, परीक्षा में प्रश्नों को हल करेगा और सिलेक्शन लेगा, इसीलिए नो लिमिट हो जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर 5 भी मिल जाता है तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। सर लास्ट प्रश्न है, अभ्यर्थी का भी ये डिमांड है, आप भी जानते हैं कि 14,000 ना आप 24,000 भी रिजल्ट दे दे, फिर भी कुछ अभ्यर्थी तो बचेंगे क्योंकि संख्या ज्यादा अभ्यर्थी का है, फिर टीआरई की घोषणा कर दिया गया है और आज पेपर में आप देखे होइएगा 20,000 टीआरई 1 का टीआरई 3rd में जुट जाएगा, यानी अब 70 प्लस भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, वो आंकड़ा है। तो उन अभ्यर्थी को क्या कहिएगा इस सप्लीमेंट्री में भी वो यदि वो कुछ अंकों से चढ़ते हैं उनके लिए? देखिए कहते हैं ना कि जुग जुग जिए ले बबोलुआ वाला वो गाना आपने सुना होगा, उसी तरह से मुझे लगता है कि ये दौर सही में बिहार के छात्रों के लिए कि जुग जुग जियो तुम लोग, इसलिए जियो कि वो दौर बिहार का गोल्डन दौर है। मुझे नहीं लगता कि जब से मैं पैदा हुआ हूंगा और जब आज हूं इतनी बड़ी संख्या में कभी वैकेंसी आई होगी, तो अगर ये जोड़ दिया गया तो इससे ज्यादा उत्साहित एक शिक्षक से क्या हो सकता है कि ये किसी ना किसी छात्र को मिलेगा। ठीक है वो छात्र हो सकता है हमसे ना पढ़ा हो, लेकिन बिहार का कोई ना कोई शिक्षक उसको पढ़ाया होगा, उसके लिए खुशी की बात होगी। और मैं तो आनंदित और आशान्वित इस बात को लेकर के हूं कि अगर 5 डिजिट
स्टेट में अगर 1 लाख भी वैकेंसी आ जाएगी तो ये सोने पर सुहागा होगा। लेकिन वैकेंसियां ऐसे नहीं आती हैं, वैकेंसियों के बहुत सारे मानक हैं, तय हैं, तरीके हैं, गाइडलाइंस हैं, कितनी रिक्तियां हैं, कितने लोग रिटायर कर रहे हैं, कितने नए स्कूलें बनाई जा रही है, कितनों को स्कूलों को प्रमोट किया जा रहा है, उन तमाम पहलुओं पर नियुक्तियां निर्धारित की जाती है। लेकिन हम क्या चाहेंगे कि अच्छी संख्या में रिक्रूटमेंट आए और बिहार के नौजवान छात्र जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, जो उन्होंने मेहनत किया है, उनको मेहनत का इनाम मिले और उनको सरकारी नौकरी मिले। जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं उनसे बता दें, इसके बावजूद भी कोई भी प्रश्न आपका छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, सर से फिर इस पर चर्चा करेंगे। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और एग्जाम टूर आपका चैनल देखते